अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अक्सर उकात बहुत से ऐसे डिज़र्ट्स हैं जिनमें आप यूज़ करते हैं। वैसे तो कंडेंस मिल्क बहुत ही आसानी से मार्केट्स में मिल जाता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कंडेंस मिल्क आपको आसानी से नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस सूरत में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं यह जानने के लिए इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूध चाहिए आधा किलो, चीनी चाहिए 200 ग्राम और मीठा सोडा चाहिए तकरीबन एक चुटकी के बराबर। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे दूध। साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आने लग गया है। अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। याद रहे कि कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमेशा आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें और चम्मच को मुसलसल चलाते रहें। चम्मच रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो दूध नीचे लग सकता है और इस तरह आपका कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। जब दूध की मिकदार आधी हो जाएगी तो फिर इसमें ऐड कर देंगे सोडा। दूध की मिकदार आधी हो चुकी है, अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे सोडा। अच्छी तरह से तेज तेज चम्मच को चलाएंगे। सोडा ऐड करने से ये होगा कि आपके कंडेंस मिल्क का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा होगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। कंडेंस मिल्क तैयार हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और फिर इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो कंडेंस मिल्क तैयार है। आप इसे हर तरह के केक्स, डिजर्ट्स और पेस्ट्री वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।